अस्सलाम वालेकुम सरगोधा यूनिवर्सिटी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर आप सभी का वेलकम है। सरगोधा यूनिवर्सिटी की तमाम एजुकेशन की अपडेट रहने के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ चैनल को लाजमी शेयर करें। तो इस वीडियो में बात करेंगे एम ए एम एस सी की डेट शीट के ऊपर, क्योंकि मैंने आप लोगों के साथ रात को ही डेट शीट शेयर कर दी थी। आप लोगों की जो टेंटेटिव डेट शीट है वो आ गई है। उसके बाद कुछ स्टूडेंट्स के क्वेश्चन थे जी, मैंने कॉमेंट्स भी पढ़े और कुछ सोशल मीडिया के ऊपर भी मैंने देखा, आप स्टूडेंट जो है ना बातें ये कर रहे हैं, कुछ स्टूडेंट हैं जो ये कह रहे हैं जी कि जल्दी से पेपर ख़त्म हो जाए, चलो फिक्र ख़त्म हो जाएगी हमारी, हम पेपर दे के फारिग हो जाएंगे। और कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो कह रहे हैं जी हमें टाइम ही नहीं मिला, हमारे पास टाइम बहुत कम है, इतनी जल्दी डेट शीट भी आ गई है। ये चीज़ मैंने आप लोगों को पहले भी बताई थी कि आप लोगों की डेट शीट जो है वो आ जानी है और आप लोगों के पेपर जल्दी स्टार्ट होने हैं, बाकी फिर आप लोगों ने अगर उसके ऊपर अमल नहीं किया तो वो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन ये जो डेट शीट आप लोगों को नज़र आ रही है, ये टेंटेटिव डेट शीट है। यहाँ पर ये देखो लिखा हुआ है टेंटेटिव डेट शीट, यहाँ पे मैंने ये पार्ट वन की मुकम्मल डेट शीट शेयर कर दी है, ये पार्ट टू की मैंने शेयर कर दी है। अब बात करते हैं कि क्या यही डेट शीट फाइनल होगी या इसके अंदर कुछ चेंजेस हो सकती हैं, क्योंकि टेंटेटिव वर्ड से स्टूडेंट्स को माइंड में ये है कि शायद एग्ज़ाम जो है वो पोस्टपोन कर दिए जाए। पहली बात तो ये है कि स्टूडेंट आप लोगों को पता है 2 अगस्त लास्ट डेट गुजरी है और कल ही आप लोगों की डेट शीट जो है वो टेंटेटिव आ गई है। अब अगर तो मामला सारे जो है ना वो 16 अगस्त से पहले पहले ख़त्म हो जाते हैं तो आपके पेपर इंशाल्लाह 16 अगस्त से पार्ट वन के और पार्ट टू के जो पेपर हैं वो 2 सितंबर से शुरू होंगे। लेकिन ये जो टेंटेटिव वर्ड है ना, इसका मतलब ये होता है कि आप लोगों का अगर मामला ठीक नहीं होते, यानी कि अगर आपको पता है ना कि आगे आपकी ऑब्जेक्शन लिस्ट आनी है, कुछ इतराज़ वगैरह हो सकते हैं बच्चों के एडमिशन में, वो ख़त्म होने, तो अगर तो वो सारा कुछ जल्दी ख़त्म हो गया तो फिर इंशाल्लाह आप लोगों के पेपर इसी के अकॉर्डिंग होंगे। और मैं आपको ये बात बता दूँ कि टेंटेटिव डेट शीट ही 80-90% यही चांस है कि आपकी डेट शीट यही फाइनल होती है। अगर डिले होते भी हैं तो सिर्फ 1 वीक तक एग्ज़ाम्स आगे किए जाते हैं, वरना आपके एग्ज़ाम जो है ना मोस्टली यही फाइनल कर दिए जाते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने अब तैयारी करनी है इन्हीं डेट्स के अकॉर्डिंग जो आप लोगों को नज़र आ रही है। और बाकी आप लोग नोट्स वगैरह इसके ले सकते हैं, पास पेपर्स कुछ मौजूद हैं, आप लोग जो अगर परचेज़ करना चाहो तो आप इस व्हाट्सअप नंबर से परचेज़ कर सकते। तो टेंटेटिव डेट शीट ही फाइनल डेट शीट होती है, तो इसलिए आप लोग इस आस में ना बैठे रहिएगा कि आपकी जो डेट शीट है वो टेंटेटिव है तो फाइनल जो है वो एग्ज़ाम लेट हो जाएंगे, ये है ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इंशाल्लाह आपके पेपर जो है ना इसी के अकॉर्डिंग स्टार्ट होंगे। बाकी ऑब्जेक्शन लिस्ट मैं आप लोगों के साथ जल्दी शेयर करूँगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ चैनल को लाजमी शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।